हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक लेडी का स्केच बनाने जा रहा हूँ जो कि एक वायलिन प्ले कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक शेप्स से। पहले हम लेडी का बेसिक चेहरा, शोल्डर्स और बॉडी बना लेंगे और साथ में जो वायलिन की स्ट्रिंग होती है वो भी एक बेसिक शेप पेंसिल से देंगे। फिर बाकी काम सिर्फ कलर्स का है। शेप बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ड्राइंग के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है मेरे को, मैंने हाथ थोड़ा सा सही नहीं बनाया, अदरवाइज इसकी बॉडी बहुत सही बनी है। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना है। लेकिन ये सब चीज़ आप कलर से ठीक कर सकते हैं। इस पूरी पेंटिंग को बनाने में मुझे करीब करीब 1 घंटा लगा, इंक्लूडिंग पेपर लगाना ये सब चीज़। इस पेज पे मैंने देखिए टेप लगाया हुआ है ताकि प्रॉपर बाउंड्री बन जाए। अब देखिए दोस्तों, एक ओवरऑल स्केच बन चुका है। अब मैं पानी लगा रहा हूँ बैकग्राउंड पे ताकि कलर आसानी से फैले। तो जैसा कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो मैं डीप ब्लू कलर से स्टार्ट करता हूँ और मैंने पानी लगा लिया है। इससे क्या होता है, पानी फैलता बहुत अच्छा है, घुलता पेज के साथ घुलता बहुत अच्छा है। दूसरा कलर उठाया मैंने जिसको मैं अब ब्लेंड करूँगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे ब्लेंड करने में क्योंकि मैं नया आर्टिस्ट हूँ। मैंने गलती करी, मैंने इसमें ब्लैक कलर मिला दिया तो ये कुछ ब्लू एंड ब्लैक टाइप का ओल्ड लुक दे रहा है। आइडली मुझे ब्लैक नहीं मिलाना चाहिए था, मैं रियलाइज़ किया मे बी फ्यूचर की जो भी मेरी पेंटिंग्स रहेंगी उनमें मैं ब्लैक कलर अवॉइड करूँगा क्योंकि वो हर कलर को ढक देता है। देखिए इसमें मैंने कैसे ब्लैक किया ताकि एक डार्क शेड, डार्क बैकग्राउंड दे पाऊँ, एक कॉन्ट्रास्ट बना पाऊँ। मैंने ब्लू के ऊपर भी ब्लैक कर दिया जो कि सही नहीं है, वो वैसे ही रहने देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसा बनता है। अब देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। अब मैंने इस ड्रेस को कलर करना शुरू किया है जो कि हल्का सा येलो है। यहाँ पे देखिए गलती हो गई मेरे से और ब्लैक कलर बॉडी के साथ मिक्स हो गया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी था। चेहरा बहुत डिफ़िकल्ट होता है बट थैंकफुली ये बहुत आसानी से बन गया। अब बन रहा है वायलिन। वायलिन जैसा कि ब्राउन होता है, मैंने ब्राउन कलर कर दिया है ऐसा रैंडम। अब इसको शेप देने के लिए मैं इसको पेंसिल से इसकी बाउंड्रीज को कलर कर दूंगा। अब मैं इसका बालों के कलर साथ में शुरू कर रहा हूं। इस समय इस आर्ट में थोड़ा सा शेप आने लगा है कि बैकग्राउंड मैंने कर दिया है जो कि सूख चुका है। अब लेडी के बालों को और बाउंड्रीज जो भी हैं तुम्हारे हाथों की बाउंड्रीज उन सब डार्क शेड से आउटलाइन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये पोर्ट्रेट उभर के आ जाएगा। अभी सब मिक्स मैच लग रहा है
और कुछ खास नहीं लग रहा। देखिए किस तरह मैं बाउंड्री बनाता हूँ, ये पेंटिंग एकदम से उभर के आती है। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी मुझे और, लेकिन धीरे 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 हो सकता है मैं वाटर कलर्स के फील्ड में थोड़ा इम्प्रूव कर जाऊँ। देखिए किस तरह से शेप ले रही है। यहाँ पे इसका, इस लेडी का हाथ है जो कि वॉयलिन बना रही है। अब मैं फिंगर्स और हैंड को भी थोड़ा थोड़ा शेप दे रहा हूँ। देखिए किस तरह हैंड में भी कलर होना चाहिए था, जो कि मैं भी बाद में करूँगा। आप लोग इन्जॉय करिए धीरे धीरे जो पेंटिंग बन रही है उसको। अब देखिए अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है कैसे है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं शेप दूंगा उससे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। देखिए हाथ हो गया क्लियर, अब आया मेन आँखों की पारी। अब देखिए आँखों में किस तरह मैं एक पेंसिल से शेड दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रश से मेरे से शेड दिया नहीं गया, तो मैंने डार्क पेंसिल लेकर के उसको किया। हल्का सा मैंने पेंसिल कलर भी यूज़ किया है होंठों पे। अब मैं शेप दे रहा हूँ, देखिए कपड़ों की शेप, याने को भी शेप देना है ताकि कलर बिखरे बिखरे ना लगे और एक थोड़ी परफेक्ट सी ड्राइंग बन जाए। ये देखिए पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये देखिए मैंने इसके टेप्स निकाल दिए और इस पर एक प्रॉपर बाउंड्री से हो गई है। तो कैसी लगी आपको पेंटिंग?